विधानसभा चुनाव के चलते आज करनाल में मतदान शांतिपूर्वक जिसके चलते प्रातः 7 बजे कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह ने परिवार सहित पहुंचकर मॉडल टाउन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी को अपना योगदान देना चाहिए और अपने अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान अवश्य करना चाहिए। यहां हम आपको बता दें कि सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस की ओर से करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं। 5 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल के लोगों को सबज बाग दिखाए थे, ये सीएम सिटी बनेगा। सीएम सिटी तो नहीं बन सका, लेकिन क्राइम सिटी बन गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर भी बहकाया गया, कहीं स्मार्ट सिटी की आपको बात नज़र नहीं आएगी। सलम बस्ती में बुरा हाल है, बेरोजगार हैं लोग, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सब इस सरकार से त्रस्त हैं। वो चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी को हराकर हम ये बदला लिया जाए जो 5 साल पहले उन्होंने झूठ बोला। बड़ी लीग से पिछली बार मनोहर लाल खट्टर यहाँ से चुनाव जीते थे, अब की बात क्या लग रहा है? देखिए, एक मौका दिया गया था उनको, लेकिन उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया ताकि लोग आज वोट दें। लोग क्यों वोट दें, क्या किया उन्होंने, ये एक प्रश्न चिन्ह लोगों के ध्यान में है। भी उन्होंने क्या किया करनाल के लिए, कुछ नहीं किया। वो लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं हुए, एक विधायक का काम है दुख सुख में शामिल होना। बीजेपी खासतौर पर 370 को लेकर के लोगों को टच कर रही है कि 370 हटाइए हमने और आगे जो काम किया हमने, खासकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करके, राष्ट्रवाद की बात करके चुनाव लड़ा पिछला और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। इस बार भी वही बातें चुनाव से पहले की जा रही है। देखिए, ये जो मुद्दे हैं 370 राष्ट्रधारा जोड़ना, ये 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम जो लोगों ने शहीदियाँ दी उन्होंने इसलिए दी थी देश को आज़ाद रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में इन्होंने भाई भाई को लड़ाकर देश को फिर गुलाम की स्थिति में पहुंचाना चाहा, देश आज़ाद रहना चाहता है। इन्होंने हर जगह भाई भतीजे को लड़ाना चाहा, भाई भाई को लड़ाना चाहा, जातीय दंगे कराए इन्होंने, तो इसलिए लोग त्रस्त हैं। वो चाहते तो हैं आज़ाद देश रहना चाहिए, लेकिन इनके गुलाम नहीं बनना चाहते। परिवार के साथ आपने वोट किया है आज? जी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे सिस्टर, मेरी बेटियां, मेरे भांजे, मेरे बड़ी सिस्टर, मेरे भांजों की वाइफ वगैरह सब आया। 7:15 का समय था जब आपने वोट पोल किया, कोई शुभ मुहूर्त निकलवा के? नहीं, देखिए, मुहूर्त तो नहीं निकलवाया था। 7 बजे पोलिंग शुरू होती है, पहले बस्ते पे वहाँ से चल के जो टाइम हुआ हम वहाँ निकले। कोई टाइम मुहूर्त वाली बात नहीं है, परमपिता परमात्मा का सब टाइम बराबर होते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं जो टाइम आगे दो। क्या उम्मीद की जा रही है काउंटिंग जब होगी? देखिए, आदमी मैदान में जब उतरता है उम्मीद से जीतता, जीतने की उम्मीद से ही उतरता है, हम उसी उम्मीद से उतरते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया जीतने के लिए और परमपिता परमात्मा चाह हमारी जीत निश्चित है। थैंक यू, थैंक यू। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।